टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच 76 रनों से जीत लिया। दोनों टीमें सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में द विलेज मैदान पर 29 जून को आमने सामने होंगी। पहले मैच में भारत को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई थी। रोहित शर्मा और धवन की सलामी जोड़ी ने उसे बड़ा स्कोर प्रदान किया था, जिसके बाद युजवेंद्र चहर और कुलदीप यादव ने आयरलैंड के बल्लेबाजों को विकेट पर पैर जमाने का मौका नहीं दिया। आयरलैंड पूरे मैच में भारत की बराबरी नहीं कर पाई और खेल के तीनों क्षेत्रों में कमजोर साबित हुई। हालांकि बल्लेबाजी में सिर्फ रोहित शर्मा और शिखर धवन का बल्ला ही चला। इस मैच में कप्तान विराट कोहली 0 तो धोनी 11 रन बनाकर आउट हुए। भले ही धोनी ने बहुत छोटी पारी खेली, लेकिन अपनी इस छोटी पारी में उन्होंने एक बार फिर से सभी का दिल जीता। दरअसल अपनी इस 11 रनों की पारी ने धोनी ने एक छक्का भी जड़ा। ये छक्का इतना शानदार था जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक खुश हो गए। धोनी ने एक छक्का मारते ही पूरा स्टेडियम धोनी के नारों से गूंज उठा। भारत और आयरलैंड के बीच खेली गई इस टी20 सीरीज को बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह का भी पूरा समर्थन मिला। हालांकि धोनी के आउट होने पर रणवीर सिंह थोड़ा निराश हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो ट्वीट किया उसने सभी का दिल जीता। धोनी के मैच के आखिरी ओवर में आउट हुए। धोनी के आउट होने पर रणवीर ने ट्वीट पर लिखा, कोई नहीं यार, लास्ट ओवर है, धोनी के जैसा कोई नहीं खेल सकता, जैसी जरूरत होती है वो उसी तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।